हेलो दोस्तों, आज हम दिखाएंगे कि किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के बिना विंडोज 7 में कैसे SMS टाइपिंग किया जाता है। तो चलिए डेस्कटॉप की स्क्रीन पे पहले चलते हैं। देखिए अब हम इधर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं। पहले देखिए इधर हम टाइप करेंगे, इधर नीचे देखिए कोई लोगो शो नहीं कर रहा है इस SMS इंग्लिश का। तो हम पहले कुछ टाइप करते हैं। ये टाइप किया मैंने तो कोई सिर्फ इंग्लिश में आ रहा है, SMS में नहीं आ रहा है। तो हम इसे SMS में कैसे टाइप करें, तो पहले जाते विंडोज़ में चलेंगे, विंडोज़ खोलते हैं। उसके बाद कंट्रोल पैनल में जाएंगे, इसमें जो व्यू बाई है ऊपर, ये व्यू बाई इसमें लार्ज आइकन कर देंगे। और लार्ज आइकन में इधर होगा रीजन एंड लैंग्वेज होगा, इसमें क्लिक करेंगे। कीबोर्ड एंड लैंग्वेज उसके बाद जाएंगे, उसके बाद चेंज कीबोर्ड पर जाएंगे। उसके बाद ऐड है, ऐड में क्लिक कर देंगे और यहाँ लिखा रहेगा SMS इंडिया, तो ढूंढेंगे किधर SMS इंडिया है। तो ये SMS इंडिया है, इसका जो प्लस वाला आइकन है साइड में, वो प्लस वाला आइकन में क्लिक करेंगे, कीबोर्ड में क्लिक करेंगे, SMS में क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। यह भी ओके कर देंगे और इधर भी ओके कर देंगे। दोस्तों अब हमारा नीचे हो गया है, सेटिंग कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं, ये तो नीचे पहले कोई लोगो शो नहीं कर रहा था, अब शो कर रहा है इंग्लिश SMS का। तो इधर हम SMS सेलेक्ट कर लेते हैं। अब खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, पहले इसे हम टाइप करते हैं, ये इंग्लिश में ही टाइप हो रहा है। तो ये जो नीचे लोगो आ रहा है SMS इंग्लिश का, इसमें जाएंगे, SMS सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो SMS में आएगा। अगर वीडियो कोई इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।